सानी, क्या तुम ठीक हो? खाना, अबे भूख लगी है। ठीक है, कैंडी खाओगे? मुझे केक चाहिए। सूजी, अपनी आंखें खोलो, क्या तुमने केक के बारे में कुछ कहा? हाँ, वो कहा? पर बढ़ाना बंद करो, हम केक बनाएंगे या नहीं? हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि हैलोवीन की स्पिरिट अभी भी यही है। अगर मॉन्स्टर में होता तो मैं तुम्हें स्पाइडर डस्ट देता। स्पाइडर डस्ट? क्या ये सेफ है? ये मुझे आटा लग रहा है। क्या तुमने कुछ और सुन लिया? दोस्तों, लगता है आज हम कोई अजीब केक बनाने वाले हैं। चलो भी फिर से हैलोवीन मनाते हैं। इसके अंदर भूत के आंसू मिलाओ। चलो देखते हैं ये क्या है। ये चीनी की तरह मीठा है। क्योंकि चीनी है। क्या हो रहा है, तुम अजीब हरकतें कर रही हो? ठीक है, मैं अब अजीब हरकतें नहीं करूंगी। क्या हमें इसे यूनिकॉर्न हॉर्न पाउडर कहना चाहिए? हे भगवान, ये प्लेन बेकिंग पाउडर है। सच में? तुम इस इंग्रेडिएंट को क्या कहना चाहोगे? मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये नमक है। हाँ, इसे ही मुँह का स्वाद बिगाड़ना कहते हैं। आज मुझे तुम्हारी सोच अच्छी लग रही है। अब चीजें थोड़ी मुश्किल हो रही हैं। हम इसमें बटर डालेंगे। डालो और सारे इंग्रेडिएंट्स को फिर से मिला दें। इसे देखो, बिगड़े दांत अच्छे से मिक्स करते हैं। मदद के लिए शुक्रिया स्लाइम विच। हमारा मिक्स रेट में बदल गया। ड्रैगन के अंडे टर्टल का नेक्स्ट इसे को बॉब शेल बना दो, लेकिन इसे अच्छे से मिलाना ना भूले। साम, तुम्हारे ड्रैगन डराने के लिए बहुत छोटे हैं। मेरे जादू का मजाक मत उड़ाना सिर्फ, अच्छा होगा मिलाते रहो। तुम्हारी विश मेरे लिए आदेश है। ड्रैगन एक्स बॉल के अंदर है। फ्लफी स्पॉन्ज केक बनाने के लिए हमें थोड़ी दूध की भी जरूरत होगी। और थोड़े गोल्डन फिश एसेंशियल, इसे हमारे केक पोर्शन में मिलाएं। दोस्तों कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ तेल है जो सबके घर में होता है, और ये हमारे सामी के लिए एक प्यारा सा पोशन है। मैं इसे स्मेल करना चाहता हूँ। कितनी अच्छी खुशबू है। ये वैनिला एक्सट्रैक्ट है, ज्यादा फ्लेवर के लिए। क्या हम कुछ भूल गए? ये लो, चलो इसे जेलीफिश विप बेल कहते हैं। दोस्तों हम इसे ग्रीक योगर्ट कहते हैं। बच्चे रोएंगे क्योंकि इस आटे में मैं लाइम मिला दूंगा जिससे खट्टा हो जाएगा। ये लो। मैं इसे व्हील टीयर्स डालकर और अच्छा पोशन बना दूंगी, एक बढ़िया पोशन। और चलो अब इसे मिलाते हैं। बेक करने का समय है, बचाओ अपने मंत्र तैयार कर लो। हमें केक टिन तैयार कर लेना चाहिए। बॉल में तेल लगाएं इस तरह। सारी तैयारी के बाद हम इसे बैटर से भरेंगे। वाह, ये बढ़िया लग रहा है। मुझे तुम्हारे ओवन पर कितना टेम्परेचर लगाना है? 140 डिग्री सेल्सियस। समझ गया। ओवन में 50 मिनट काफी होंगे, कहीं मत जाना। ये बन गया, क्या मुझे एक बाइट मिल सकती है? बस थोड़ा सा, जो मैंने पहले ही काट दिया है। चाकू का ध्यान से इस्तेमाल करना दोस्तों। सैमस लाइम मून की वजह से भूखा वेयरवुल्फ बन गया है। मेरा पेट अच्छे से भर गया है। सिर्फ स्पॉन्ज केक अच्छे से बनाना। हम इसका इस्तेमाल जादुई कोलोड्रोन बनाने में करेंगे, स्मोकी पोशन के साथ। तुम्हें जादुई कोलोड्रोन बनाने के लिए खास इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी। ब्लैक हार्ट एसेंस, ये मुझे कहाँ मिलेगा? क्या मैं तुम्हारे लिए दूसरे इंग्रेडिएंट लाया हूँ, मामी स्क्रीम एसेंस, इसे डाल दो। ये मुझे नॉर्मल बटर लग रहा है। हाँ हाँ समझ गए, चलो शुरू करते हैं। बहुत हुआ, अब तुम थोड़ा आराम कर सकती हो। फिर सानी, ये बहुत थका देने वाला था, ये दोबारा मत करना। बढ़िया, ये अच्छा और फ्लफी है। क्या तुम्हें दूसरा इंग्रेडिएंट मिला? असल में हमने इसे पहले इस्तेमाल किया था। दोस्तों क्या आपको याद है गोस्ट टियर का राज क्या है? तुम जीती, ये चीनी है। ये दोनों आखिरी इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लेकिन किसी भी पोशन के लिए पहले मिक्सिंग करनी पड़ती है।
अब ब्लैक हार्ट एसेंस की बारी है। चलो कोको पाउडर से शुरू करते हैं। पूरे विच की हंसी से और बढ़िया बना देगी। मेरे साथ हंसो। ये काम कर रहा है। अब तुम रुक सकती हो। चलो कूल ग्राउंड बनाते हैं। दोस्तों सारी चीजें अच्छे से देखना और आंख मत झपकाना। नहीं सूजन, ये बहुत मुश्किल है। चलो इनको उबासी लेने या छींटे से मना करते हैं। ये बुरा नहीं है। ठीक है, कोई शर्त नहीं, बस मजे करो और अच्छे से करो। और ये रहा कोलोड्रॉन का दूसरा पार्ट। ये बुरा नहीं है, चलो इसे साइड से काट लेते हैं। कोलोड्रॉन टॉप बनाने के लिए हम राउंड कुकी कटर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसे फ्रॉस्टिंग से कवर करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा लग रहा है। दोस्तों थोड़ी देर में मिलता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हमने अपने केक के दो पार्ट्स को एक साथ रखा और हमने इसे फ्रॉस्टिंग से कवर किया और हमें ये मिला। मुझे पास से देखने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसे कब पूरा करेंगे? अगर तुम इसे जल्दी करना चाहते हो तो फोंडेंट का ध्यान रखो। ठीक है सीव, बस एक मिनट, मदद करो सीव, ये फोंडेंट मुझे जिंदा खाना चाहता है। दोस्तों तैयार हो जाओ, हम असली मॉन्स्टर बनाने वाले हैं। ये फोंडेंट टेंटिकल है, ये स्वादिष्ट है पर डरावना नहीं। मैं मजाक कर रहा था, चलो टेंटिकल फाइट करते हैं। रुको, एक्स्ट्रा इंटिमिडेशन के लिए मैं ब्लू सेक्शन कप्स लगा देती हूँ। मैंने अपना बना लिया, क्या हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं? लड़ाई? फिर मुझे मेरी आर्मी बुला लेनी चाहिए। वोश, बढ़िया है। तैयार हो सैम? टेंटिकल्स को भूल जाओ, मेरे पास बहुत सारी आँखें हैं। सच में ये आँख है, मुझे कोई आयरिस या प्यूपल नहीं दिख रही। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी मदद करोगी। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, हम ब्लू आयरिस से शुरू करते हैं और फिर बीच में ब्लैक प्यूपल लगाएंगे। चलो थोड़े हाइलाइट्स भी लगाते हैं। तुम्हें पता है सबसे डरावना क्या होगा? एक ब्लैक शॉट वाली आँख। बढ़िया आइडिया है, तो ये तुम्हारा है। जाओ डिजाइन खत्म करो। ठीक है। और मैं एक विच फायर बनाती हूँ। दोस्तों आपने ऐसी कलरफुल फ्लेम नहीं देखी होगी। वाह अच्छा लग रहा है। अब हम सबसे कलरफुल पार्ट्स ओवल कुकी कटर से काटेंगे। विच के फ्लेम्स ओवल होते हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती पर मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। ये लो इसे देखो। स्लाइम विचर के लिए फायर बहुत खतरनाक है। पर तुम्हें फायर स्पिरिट के लिए सैक्रिफाइस करना चाहिए। क्या फोंडेंट की सजावट काम आएगी? तुम्हें कैसा लगा? शानदार है और मेरे पास बढ़िया आइडिया है। वाह इस मास्टरपीस को देखो, इन बढ़िया टेंटिकल्स को देखो और फ्लेम मस्ती लग रही है। ये आँख तुम्हें देख रही है। तुम आखिरी बिगिन को भूल गई। सही कहा, और वो ये रही थोड़ी सूखी आइस। क्या आप तैयार हैं दोस्तों? ये लो। ये ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे डर को कैसे भगाना है। दोस्तों चाकू का इस्तेमाल ध्यान से करें। केक को कट करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। ठीक है, मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। सामी वापस आओ। ठीक है, क्या शानदार है, मेरा डर बहुत स्वादिष्ट है।
दोस्तों, आपको भी घर पर ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। सैमी कह रहा है इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।